हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पासिंग क्रिटेरिया को जानेंगे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे तो मैंने पासिंग क्रिटेरिया का वीडियो इससे पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर क्लास टेंथ का पासिंग क्रिटेरिया क्या है तो हमें आप बताएं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पासिंग क्रिटेरिया के बारे में पता चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का 80 में पासिंग मार्क्स जो रहेगा वो 27 मार्क्स रहेगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर में रहेगा फुल मार्क्स, तो आपका जो पासिंग क्रिटेरिया है वो 27 मार्क्स का रहेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें 70 मार्क्स का किसी किसी सब्जेक्ट्स में अगर होता है तो आपको 23 लाने हैं। तो ये है आपका क्लास ट्वेल्थ का पासिंग क्रिटेरिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए हमें ओवरऑल 33 मार्क्स चाहिए। ओवरऑल का मतलब हो गया कि इंटरनल असेसमेंट जो कि हमारे स्कूल से मिलता है, 20 मार्क्स में आपके स्कूल में कितना नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है उसका, उसको मिला के और जो हम लोग का एक्सटर्नल में आएगा जो कि आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, इन दोनों को मिलाकर प्लस करके हमें 33 चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट्स में 18 मार्क्स आया और अगर आपका इंटरनल असेसमेंट में 15 मार्क्स आया, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 33 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप वहां पे पास हो जाओगे। तो ओवरऑल हमें चाहिए 33 मार्क्स। कई सारे स्टूडेंट्स का इसमें कमेंट्स था कि दूसरे यूट्यूब चैनल या फिर कहीं कहीं यह बताया जा रहा है कि 27 नंबर में है हम लोग को पास होना है, 80 में 27 लाना कंपलसरी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट किया गया है, नोटिस भी दिया गया है कि क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल 33 नंबर चाहिए इंटरनल असेसमेंट और साथ ही एक्सटर्नल के जो एग्जाम होते हैं सेंटर में, ये दोनों मिला के 33 नंबर होने चाहिए। तो यह है आपका पासिंग क्रिटेरिया। ऐसे मैंने ये वीडियो इससे पहले भी बनाया हुआ है और अगर आपको इसका नोटिस भी देखना है कि सीबीएसई ने कौन सा नोटिस निकाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप उस नोटिस को भी जाके देख सकते हैं। प्रूफ के साथ आपको मैं यह वीडियो दे देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और भी कुछ जरूरी चीजों को देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।